इतने बिजी स्केड्यूल में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इतना इंकरेज किया, तो ऐसे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो और आपको प्राइम मिनिस्टर जी से अगर शाबाशी मिले तो और क्या बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने बात किया, उन्होंने हमें कंफर्टेबल बना दिया, उन्होंने टूर्नामेंट के बारे में पूछा, हंसी मजाक की, तो हम कंफर्टेबल हो गए। उन्होंने बताया उनका कैसे वो डिसीजन लेते हैं, वो कैसे इतने सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। मेरा बर्थडे 28 सितंबर को था और उन्हें याद था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 3 दिन बाद क्या करने वाले अपने बर्थडे में। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें मेरा बर्थडे कैसे याद है। जब मैं 9 साल की थी तो मोदी जी ने बहुत बड़ा इवेंट गुजरात में ऑर्गेनाइज़ किया था, तो तभी मैंने जस्ट एशियन चैम्पियनशिप जीता था, उसमें 2 गोल्ड जीते थे, तो मुझे उनने वहाँ पर बुलाया था और वहाँ पर सम्मानित किया था। और मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली थी तब जब मुझे उनने सम्मानित किया कि मैंने सोच लिया था कि अब तो और जीतना ही जीतना है, इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया के लिए हमेशा ही गोल्ड जीतते रहना है। मुझे इतना कुछ सीखा उनके एक्सपीरियंसेस से, कैसे प्रेशर को हैंडल करना, उनका स्पोर्ट्स से लगाव, एंड दिस मीटिंग आई थिंक हम सबको इट्स लेफ्ट अस विद सो मच जोश, इतना इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, एंड ट्रूली अ वेरी वेरी स्पेशल डेट फॉर ऑल ऑफ अस। द वे ही रिमेंबर्ड वंतिका'स बर्थडे, विच जस्ट शोड हाउ मच ही रियली केयर्स, एंड यू नो ही नोस अबाउट द स्पोर्ट एंड द प्लेयर्स एंड हाउ you know how much this means to him, it really is very nice for us to know. When I introduced myself, the first thing he asked was like, where is your brother, how is your parents? It felt really good, I felt connected. Yeah, it's very nice of him to remember and ask about my parents also. Sir gave more importance to the yoga, meditation, physical fitness. Sir has lot of knowledge about various things, and not just one topic, but chess or history. He makes us comfortable, and I think that's very important. I think after some time we got so involved into the conversation that we forgot that we are speaking with Mr. Prime Minister. It just felt like, you know, he's so down to earth and like we're speaking and having a normal conversation. I think I would remember this experience maybe forever. Bilkul laga hi nahi ki wo Prime Minister hai India ke. And he was so humble and made sure sab comfortable hai, and the atmosphere was so surprisingly chill. And one thing that stood out to me is how humble he is, and how even despite being the Prime Minister of India, wo baat kar rahe the ki how everybody should be open to suggestions and should be open to criticism, and I think that's such an incredible and important quality. Sir ko bahut interest tha ki ye chess ne jo vishwa vijay prapt kiya dono team ne, ye jo unique 100 saal mein humne first time aisa vijete pad mila hai, to ye puri duniya ko pata chale, kyunki unhone jab america mein wo the 22 september ko wahan pe unka speech chal raha tha aur uske 1.5 ghante pehle hum log dono championship mili thi humko, और हम लोग गाड़ी में थे और हमको किसी ने बोला कि पीएम साहब का स्पीच चल रहा है आप सुनो, तो हम जब सुन रहे थे तो उन्होंने वो टूर्नामेंट की चैम्पियनशिप की विक्ट्री उधर उन्होंने सबको बताई, तो हम सबको इतना अच्छा लगा कि 1.5 घंटे में उनको पता चला और उन्होंने ये पूरे दुनिया को बता दिया।